बालों को करना चाहते हैं नेचुरल रूप से काला और असमय झड़ने से चाहते हैं रुकना, तो अपनाएं ये रामबाण उपाय। आज के इस आधुनिक युग में कम उम्र में कहें या असमय बालों का सफ़ेद होना या झड़ना आम बात हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह आजकल का खान पान, भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, बढ़ता प्रदूषण सहित कई कारण हो सकते हैं। ये सभी हमारे सेहत के लिए भी साथ साथ हमारे बालों के लिए भी दुश्मन साबित हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान में विशेष ध्यान दें, जिससे हम असमय सफ़ेद होते बालों को झड़ने से रोकने के लिए इन उपायों को आजमाएं, जिससे स्कैल्प पोर्स खुले, बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आठ बाल कम ना हो व जड़ों से सफ़ेद ना हो। आइए जानें आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार से बालों को काला करने का नेचुरल तरीका। आज के युवा पीढ़ी में बालों की समस्या बहुत है, जैसे बालों का झड़ना हो या बालों का सफ़ेद होना हो, इस प्रकार की समस्या बहुत व्यापक रूप से देखी जा रही है। इसमें बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि बालों की समस्या से ग्रसित होते हैं। इसमें खान पान के रूप में कुछ एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि थोड़ा सा लीवर हमारा ठीक रहे, लीवर स्टिमुलेटिंग जितनी सारी ड्रग्स हैं उसका अगर सेवन किया जाए, कोई भी लीवर टॉनिक का सेवन किया जाए, और साथ में हम लोग कहते हैं कि गुड़हल के पंखुड़ी को, गुड़हल के फूल की पंखुड़ी को आप दो चार फूल की पंखुड़ी को और लगभग एक चम्मच मेहंदी के पत्ते सेवन करें और आंवले का नित्य सेवन करें। आंवले का रस हो या फिर आंवले का सीजन रहता है तो फ्रेश रस हो, नहीं तो फिर आंवले का चूर्ण इसका सेवन किया जाए तो बालों की समस्या से ओवरऑल निजात मिल सकता है। बालों में समय समय पर ऑयलेशन जरूर करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे सुगंधित तेलों का जो मार्केट में अवेलेबल है इन तेलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उनकी बालों में तिल का तेल का सेवन किया जाए और तिल का सेवन ऐसे भी खाने के रूप में भी, चटनी के रूप में, जिस भी रूप में खा सकते हैं उस रूप में अगर आप सेवन करते हैं तिल को, इस प्रकार के आहार को अगर सेवन करते हैं तो बालों की समस्या से निजात मिलेगा। और जिनका बाल पक रहा है और समय बाल पक रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे कि लगभग 6 महीने साल भर सेवन करते करते ये समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसमें भृंगराज का बहुत अच्छा रोल है, भृंगराज का तेल का सेवन किया जाए या फिर भृंगराज को ऐसे भी भृंगराज के चूर्ण का सेवन किया जाए तो लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बाल भी हमारे शरीर का केस जो है सो हेयर जो है सो हमारे अस्थि का विकार माना जाता है, तो जितने भी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है ऐसे फल को, ऐसे आहार द्रव्यों को जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है उसका सेवन करना चाहिए साथ में, और विटामिन सी के रूप में नींबू का सेवन, दाल के साथ में प्रोटीन खा रहे हैं तो साथ में नींबू जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो उसका भी सेवन करें, और समय समय पर बाल को नींबू के रस में पानी मिलाकर के बाल को थोड़ा सा नरिशमेंट ऑयलेशन से पहले थोड़ा सा नरिश किया जाए तो बाल का झड़ना भी रुकेगा और बाल का पकना भी रुकेगा।